Hi everyone, welcome to today's video. In this video, we are going to talk about boric acid. Boric acid को orthoboric acid भी कहा जाता है. जैसे आपको पता है phosphoric acid को orthophosphoric acid भी कहा जाता है. Ortho जो word root है या ortho जो prefix है उसको लगाने से as such molecule में कोई change नहीं होता है ना. तो it also goes by the name of orthoboric acid. और formula आपको पता ही है H3BO3. तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं. तो इफ़ यू टॉक अबाउट H3BO3, आपको पता है यहाँ पे बोरॉन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज़ ए +3. तो मैं अगर हाइड्रोलिसिस से करना चाहूँ, हाइड्रोलिसिस से बोरिक एसिड बनाना चाहूँ, तो या तो मैं उसका ऑक्साइड ले लूँ. सबसे पहले बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है विच इज़ बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है. इसमें बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. पानी डालूंगा तो वो मेरे को H3BO3 दे देता. बोरिक एसिड के अलावा बोरिक नाइट्राइड भी ले लो आप. BN भी सेम काम करता है ना. अगर आप BN की बात करें तो बोरॉन यहाँ पे क्या है, +3, और नाइट्रोजन पे -3. पानी में क्या होता है, H+ OH-, तो H+ नाइट्रोजन के पास जाएगा और आप देख पा रहे हैं अमोनिया मिल जाएगा, है ना. और यहाँ पे ये बना के देगा मेरे को BOH-, और साथ में अमोनिया. BOH-, एक ही बात है, इट इज़ H3BO3 नाइट्रिक बोरिक एसिड ओनली, राइट. थर्डली अगर मैं क्लोराइड से रिएक्शन करना चाहूँ तो भी क्या होगा, हमें मिलने वाला है H3BO3 और साथ में HCl निकल जाएगा. रिएक्शन को बैलेंस कर सकता. तो इजीली हमने ऑक्साइड ले लिया, नाइट्राइड ले लिया, क्लोराइड ले लिया, हाइड्राइड भी ले लो. तो बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है B2H6, उसकी रिएक्शन वाटर से कराओ तो बोरॉन तो हमेशा क्या है, +3 में, तो +6 हो गया इसका चार्ज. हाइड्रोजन किस में है, -1 में. इधर H+ है, साथ में OH- है ना. इधर बेसिकली B+3 था और H-1 था. H-1, H+1 हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं आप, और OH- तो बोरॉन के पास ही जा रहा है, तो वी अगेन आर गेटिंग H3BO3. तो बोरॉन के बहुत सारे कंपाउंड से हम हाइड्रोलिसिस करके बोरिक एसिड बना सकते हैं. साथ में कोई भी गैस लिब्रेट हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाए, अमोनिया हो जाए, HCl हो जाए, ऑल दीज गैसेस कैन बी लिब्रेटेड. साथ ही में अगर मैं Na2B4O7 ले लूँ, जिसे हम आगे चल के देखेंगे, जिसे बोरैक्स कहा जाता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करो इन एसिडिक मीडियम, तो HCl में से जो क्लोरीन है वो सोडियम पकड़ लेता है और NaCl बनाता है, साथ में मिलता है H3BO3, राइट. तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन टू प्रिपेयर बोरिक एसिड. तो बोरिक एसिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बोरिक एसिड इज बेसिकली H3BO3, या हमने देखा बी पे OH-, तो बहुत ही मज़ेदार स्ट्रक्चर है. यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे O, ये H, O, H, O और H, है ना. घुमा घुमा के लिखा है, आप इसको सीधा सीधा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पर दिस इज़ द राइट रिप्रेजेंटेशन. तो अगर हम लोग यहाँ पे बोरॉन की बात करें तो बोरॉन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, राइट. अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, और बाजू वाले के पास लोन पेयर है. तो कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास एक्स और वाई है, जिसमें से एक्स के पास लोन पेयर है और वाई के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो और इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाती, ठीक है. दिस इज टर्म्ड एज बैक बॉन्डिंग. तो बोरिक एसिड में भी बैक बॉन्डिंग होती है. तो अगर आप यहाँ पे इसको देखना चाहें तो ये BOH, 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर,
और रेजोनेंस से मैं ये कह सकता हूँ, सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूँ, तीनों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो बराबर होगी। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। तीनों जो बॉन्ड लेंथ हैं वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, डबल बॉन्ड से बड़ी होती है ना। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 से 2 के बीच बना करे, राइट। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस पे ऐसे ऐसे डॉट 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 विच वॉज रेजोनेंस। दो लोन पेयर थे जिसमें से एक जा चुका है, एक इस पर ही। तो आप हाइब्रिडाइजेशन देख लें सबका, बोरॉन का भी देख लें, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2। ऑक्सीजन का भी देख लो, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, वो भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है, बोरॉन की ज्योमेट्री की बात कर लें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो भी प्लेनर, पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन है ना। अगर मैं एक ऐसा प्लेन ले लूँगा तो पूरा मॉलिक्यूल मैं इस प्लेन में ऐसे रख सकता, राइट। नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0, आपको पता है ना। कभी भी अगर मैं ऐसे 3 वेक्टर्स ले लूँ जो कि 120 डिग्रीज पे होते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है अगर ऑल द 3 वेक्टर्स आर इक्वल। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज नो, है ना, या इसको कहा जाता है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में ये मस्त सॉल्युबल। सेकेंडली दिस इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेता है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होता है ना, विच इज वाइट इन कलर। तो मस्त एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, और आपने बोरिक एसिड देखा होगा है ना, या तो लग जाती थी तो हम एक पाउडर यूज करते हैं विच इज बोरिक पाउडर, या तो फिर कैरम के ऊपर कैरम पे हम लोग पाउडर डालते हैं ताकि वो चिकना हो जाए, गोटी आराम से हिल सके, राइट। दैट पाउडर इज ऑल्सो बोरिक एसिड। तो इट इज हैविंग सोपी टच, है ना। आप उस जैसे आपने पाउडर देखा होगा, पाउडर कितना सॉफ्ट होता है, बोरिक एसिड का जो पाउडर हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, एकदम मखमली सी फीलिंग आती है। तो सोपी टच, इट इज स्लिपरी इन नेचर। ये जो मैंने चारों पॉइंट्स इस पेज पे लिखे ना, ऑल आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबका एक रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल। तो बात ऐसी है, ऑक्सीजन तो बनाएंगे और साथ ही में हाइड्रोजन भी बनाएंगे, राइट। तो एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और जब वो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इट कन्वर्ट्स टू अ सॉलिड स्ट्रक्चर, तो सॉलिड बन जाता। अब वो सॉलिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक एक करके यूनिट्स बनाते रहते हैं,
मस्त, आप देखेंगे मस्त रिंग्स बनती हैं इसमें। एक और रिंग बना लेते हैं बस, यहाँ से ओ, ये बी ये कनेक्टेड टू ओ, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे इसका एच, यहाँ पे इसका ओ, यहाँ पे इसका एच, और ये दोनों कनेक्टिविटी ऐसे शुरू करेंगे। सो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा प्लेनर है, एक ऐसे प्लेन में है ना, ये पूरा ऐसे एक प्लेन में है। तो ये एक पूरी प्लेनर रिंग हो गई है ना, ये पूरी प्लेनर एक चेन हो गई, वैसे एक पूरी प्लेनर चेन हो गई दूसरी। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं ना, ये एक लेयर और ये एक लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। अगर ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं तो ये स्लिपरी हो जाता है नेचर में, है ना। अभी अभी हमने बात करी कि दिस इज स्लिपली स्लिपरी नेचर, या इट हैज़ सोपी टच, दैट इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें, आप देखें तो आपको हर जगह से BO3 के यूनिट्स मिलेंगे। सेकेंडली आप इसमें देखें तो आपको ऐसी हेक्सागोनल रिंग्स मिलेंगी, है ना। ऑल्दो दिस रिंग इज नॉट रेगुलर हेक्सागन, बट यू विल गेट हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अगर एक प्लेन है तो एक प्लेन में क्या होगा, एक प्लेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर दो प्लेनर ये चेन्स हैं, दो प्लेनर चेन्स हैं, तो आपस में उन दोनों में क्या होगा, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है। प्लेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और विद इन इन दो प्लेन्स के बीच में बात करें तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बोरिक एसिड की, तो देखने में ऐसा ज़रूर लग सकता है कि बोरिक एसिड के पास 3H+ हैं देने के लिए। वन माइट थिंक कि एक ट्राई बेसिक एसिड, पर ऐसा होता नहीं। बात करें तो ऐसा देखा गया है कि बोरिक एसिड इज एक्चुअली अ मोनोबेसिक एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो बात ऐसी है कि ये BOH3 इस फॉर्म में रहता है, इसको जैसे ही मैं पानी में डालता हूँ, बेचारा बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। अभी 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 अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए बैक बॉन्डिंग फेवर कर जाती है, पर अगर बाहर से कोई आ रहा है तो वो भी डोनेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ऑक्सीजन बोरॉन से कनेक्टेड है वही डोनेट करे, बाहर से भी डोनेशन आ सकता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। वहीं पे अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वो क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो डोनेट कर देता, तो डोनेट करता है OH- डोनेट करता है, हम लोगों को मिल जाता है BOH4-, और साथ में एक H+, इसीलिए मोनोबेसिक एसिड है ना, सिर्फ एक ही H+ मिल रहा है, दैट इज वाई इट इज मोनोबेसिक एसिड। तो बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, है ना। अगर ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है पूछूं तो दिस इज रिलेटिवली ए वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl, HNO3, H3PO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, H2SO4, है ना, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेक्स्ट अगर मैं सिमिलर रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पर हमने BOH3 की रिएक्शन कराई थी H2O से, अब मैं H2O ना लेके NaOH से रिएक्शन करा दे तो बेहतरीन रिएक्शन होगी,
इसे टाइट्रेशन भी कहा जाता है, हम एक टाइट्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। दिस इज़ एन एसिड एंड दिस इज़ अ बेस, दोनों मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट का जो एनायन होगा वो तो हमें पता ही है, BOH=4, और साथ में ये Na। तो बेसिकली दिस हैज़ Na+ एज वेल एज BOH=4-. राइट, तो बेहतरीन रिएक्शन है, एक एसिड और बेस क्या दे रहा है, एक सॉल्ट दे रहा है। पर ये जो रिएक्शन है उसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती या इतनी यील्ड हम लोगों को मिलती नहीं। तो रिएक्शन की यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिस डायोल, है ना। आप ये यूज करना चाहें तो फिर भी सिंगल बॉन्ड में दिक्कत हो सकती है, अगर डबल बॉन्ड ले लें तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऐसे फिक्स्ड हो गया, ओरिएंटेशन दोनों वाइज सेम साइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज़ है ये रिएक्ट करती है विथ BOH=4- के साथ। किस तरीके से रिएक्ट करती है ये भी देख लेते हैं। तो CHOH ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड CH और OH, यहाँ पे बोरॉन OH, बोरॉन OH, बोरॉन OH, OH, है ना, बोरॉन पे माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पानी ऐसे निकल जाता है, यहाँ पे ये पानी ऐसे निकल जाता है। सिमिलरली अगर CH पे OH दे दूँ मैं, यहाँ पे CH पे OH दे दूँ, तो मस्त ऐसे पानी निकल जाता है और मेरे को क्या मिलती है, एक मस्त रिंग मिलती है। बोरॉन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और इस तरीके बेहतरीन स्ट्रक्चर है ना। ये जो रिंग बन रही है इसे अपन लोग चिनेट रिंग बोलते हैं, ये जो रिंग बन रही है इसे अपन लोग चिलेट रिंग बोलते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। इस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ है, चिलेशन हुई। चिलेशन का मतलब क्या है, एक ऐसे साइक्लिक फॉर्म बन गया, और साइक्लिक फॉर्म बनने के कारण ये जो चीज़ है ये बहुत स्टेबल है। और कोई भी चीज़ अगर इतनी स्टेबल होती है ना, तो अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में है ना, इस रिएक्शन में अगर हम लोग ये रिएजेंट डाल दें तो रिएक्शन की रेट इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, है ना। और कभी भी हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो उसका एक एंड पॉइंट होता है ना। तो इस केस में शार्प एंड पॉइंट पहले नहीं आ रहा था, पर ये यूज करने से शार्प एंड पॉइंट आता, हम इजीली बता सकते हैं टाइट्रेशन कब खत्म है। So this is the use of this cis diol. Diol का मतलब क्या है, दो OH ग्रुप सेम, तो diol. Cis का मतलब क्या है, सेम साइड, है ना। सारे मतलब आपको समझ में आने चाहिए। ये जो चीज़ है इसे क्या बोल रहे हैं, चिनेट कॉम्प्लेक्स। जो रिंग बन रही है, ये जो रिंग बन रही है इसे क्या बोल रहे हैं, चिनेट रिंग, जिसके कारण स्टेबिलिटी आ रही। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक बस एक रिएक्शन बची रह गई है हमारी, वो है अगर मैं बोरिक एसिड को हीट करूं, तो आपको पता होगा कभी भी हम लोग हीट करते हैं तो पानी निकलता है, तो हमें मिल जाता है HBO, ये था बोरिक एसिड, ये है मेटाबोरिक एसिड, है ना। पानी निकलने पे हमें क्या मिल जाता है, मेटाबोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट करते हैं और पानी निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को मिलता है H2B4OCN, विच इज कॉल्ड एज टेट्राबोरिक एसिड। आप अगर उसको भी नहीं छोड़ोगे, टेट्राबोरिक एसिड को भी हीट करते हो, तब जाके हमें B2O3 और पानी एक्स्ट्रा मिलता है। और B2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरिक ऑक्साइड, या तो फिर बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों, इतना पानी चूस लिया उससे, उसको इतना एनहाइड्रस बनाया कि वो एनहाइड्राइड ही बन गया। आप हर जगह देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट +3,
है ना, ये कंसेप्ट अपन ने पहले भी पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये सबको याद रहनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पहले करस्पॉन्डिंग टू वन बोरॉन देर वर थ्री हाइड्रोजन, नाउ करस्पॉन्डिंग टू वन बोरॉन देर वॉज वन हाइड्रोजन, नाउ करस्पॉन्डिंग टू वन बोरॉन देर इज हाफ ऑफ एन हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से भी ये पूरा प्रोटोकॉल आप याद कर सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बोरिक एसिड। हमने बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो, मस्त इसका स्ट्रक्चर बना। हमने रिएक्शंस देखी, हमने हीटिंग इफेक्ट देखा और उसकी सिंथेसिस, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोरैक्स, ओके। सो स्टे ट्यून्ड।